आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो रिलेटेड हैं सेक्शन मॉडुलस से और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। बट इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रिवाइज करवा देना चाहता हूँ सेक्शन मॉडुलस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो जो हमारा सेक्शन मॉडुलस होता है वो होता है जेड दैट इज इक्वल टू आई बाय वाई। बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें जो सेक्शन मॉडुलस होता है वो होता है जेड। जब हम बात करेंगे टॉर्जन की तो उसमें होता है पोलर सेक्शन मॉडुलस, उसको करते हैं डिनोट हम जेड पी से, और वो होता है जे बाय वाई। यहां बात कर रहे हैं हम सेक्शन मॉडुलस की, तो जो सेक्शन मॉडुलस होता है उसकी क्या खासियत होती है। सेक्शन मॉडुलस जो है वो हमारे बीम की स्ट्रेंथ को बताता है, और स्ट्रेंथ तभी बताएगा वो जब उसका क्रॉस सेक्शन स्ट्रांग होगा। तो मतलब वो क्रॉस सेक्शन की स्ट्रेंथ को बताता है जो हमारा सेक्शन मॉडुलस होता है। वेयर एज जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया दैट इज ए वाई स्क्वायर। इसका इंटीग्रल कर देंगे तो हमको मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ए वाई स्क्वायर को हम कह सकते हैं सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। एक होता है मोमेंट ऑफ एरिया, एक होता है सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, तो इसको कहते हैं हम सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। और इसी से ही सेक्शन मॉडुलस भी आ सकता है। अगर हम इसको आई बाय वाई कर दें, इसको वाई से डिवाइड कर दें, तो हमको ये दे देगा जेड की वैल्यू। अब एक दो चीज़ें हैं जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी थोड़ा सा बस आप समझ लो उन चीज़ों को। लेकिन जब हम बात करेंगे सेंट्रॉइड्स की, और जब हमारा वो पूरा चैप्टर आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेंट्रॉइड्स के बारे में, तब मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, और विद डायग्राम्स के साथ, एनिमेशंस के साथ मैं उस पर पूरा बढ़िया काम करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। लेकिन अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी सेक्शन का जो मास है वो उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, तो वो इतना इकोनॉमिकल या फिर इतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना कोई मास किसी सेंटर से दूर पे होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक है रेक्टेंगुलर सेक्शन जिसका एरिया है ए, और मेरे पास ऐसा ही एक सेक्शन है लेकिन वो हॉलो है, उसका जो मास है, अब एरिया ए है तो इसका एरिया अगर ए होगा तो इसके कुछ डायमेंशंस बढ़ जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। एरिया इसका भी ए ही है और इस पूरे का भी ए ही है, लेकिन ये जो है मेरे लिए स्ट्रॉन्गर होगा क्योंकि इसका जो मास है वो इसके सेंटर से काफ़ी दूरी पे है, लेकिन इसका जो मास है इसके बिल्कुल सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर हमारा मास किसी सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो उसमें लचीलापन आ जाता है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं बीम्स की या कॉलम्स की तो उसके अंदर लचीलापन आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक सिलेंडर पे ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड लोड, इस क्रॉस का मतलब है कि इसके परपेंडिकुलर, ये मेरे पास एक कॉलम है, इस कॉलम पे मैं परपेंडिकुलर लोड लगा रहा हूँ और ये पूरा सॉलिड है, तो इसके बकल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वेयर एज कि अगर मैं कोई हॉलो सेक्शन लूँ इसी सेम एरिया का, लेकिन अगर मैं एरिया सेम रखूँगा तो मेरी डायमेंशंस चेंज हो जाएंगी। तो अगर एरिया मेरे पास सेम है तो इस तरह से हमारा जो बनेगा ये सिलेंडर सा, ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा और ज़्यादा मेरे लोड को झेल पाएगा, ज़्यादा मोमेंट्स को झेल पाएगा, वेयर एज कि जो हमारे सॉलिड क्रॉस सेक्शन है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको बतानी थी। अभी मैं पूरी डिटेल्स नहीं दे पाऊँगा क्योंकि क्वेश्चंस को बेंडिंग स्ट्रेसेस से ज़्यादा रिलेट करना है मुझे, ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेक्शन मॉडुलस से अभी फ़िलहाल के लिए। आप बात की गहराई को समझना जब हम क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। तो मैं अपना पहला क्वेश्चन उठाता हूँ। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है अब। ये कहता है कि इन द डिज़ाइन ऑफ बीम्स फॉर ए गिवन स्ट्रेंथ, कंसिडर दैट द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ द यूज ऑफ द मटीरियल वुड अवेल एज फॉलोज। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि बीम की स्ट्रेंथ के पर्पज से उसको डिज़ाइन करना है, और वो इकोनॉमिकल कंडीशन कुछ इस तरीके से दी हुई हैं। पहला कहता है कि जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज मोर इकोनॉमिकल देन स्क्वेयर एरिया ऑफ द बीम। तो पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं। पहला जो पॉइंट है कि जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है वो स्क्वेयर सेक्शन एरिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। जो स्क्वायर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, मान लीजिए उसका एरिया ए है, जो रेक्टेंगल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, राइट, उसका भी एरिया ए है। किस में ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है आपको, ठीक है? आपको लग रहा होगा कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, इसकी साइड अगर ए है, ए है, ए है, ए है, और इसकी साइड अगर बी और डी है, तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए रेशो द पावर 4 डिवाइडेड बाय 12, और इसके लिए कितना हो जाएगा, बी डी क्यूब डिवाइड बाय 12। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि यहाँ पे मैं मानता हूँ कि ए का जो है वो रेज़ टू द पावर 4 हो रही है, ए की रेज़ टू द पावर 4 हो रही है, लेकिन ये जो बी डायमेंशंस है ये कुछ कम ही होगी इससे, ठीक है, ये कुछ ही कम होगी इससे। लेकिन
इसकी जो डेप्थ है उसका क्यूब हो रहा है। ये सोच के देखिए, आपके अगर बड़ी वाली डायमेंशन का क्यूब हो रहा है तो वो उससे कई ज़्यादा निकल के आएगी एज़ कम्पेयर टू किसी एक ही डायमेंशन का स्क्वायर हो रहा हो। जब आप मैथमेटिक्स की टर्म्स में इसमें बात करेंगे ना तो ये ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर हमारी किसी बड़ी साइड का क्यूब हो रहा है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। आप इसको मैथमेटिकली भी कहीं पे अप्लाई कर सकते हैं, जब आपके पास क्वेश्चंस होंगे ना आप क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखना कि जो स्क्वायर का सेक्शन मॉडुलस है वो कम आएगा एज़ कम्पेयर टू जो हमारी रेक्टेंगुलर बीम है उसका सेक्शन मॉडुलस से। ठीक है, तो पहला जो कहता है कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज मोर इकोनॉमिकल देन स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, अगर मेरा एरिया मटेरियल इतना ही यूज़ हो रहा है तो मैं इसको क्यों नहीं बनाऊंगा और इसको क्यों बनाऊंगा। तो बिल्कुल ठीक है ये कि जो हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसको मोर हम प्रेफर करेंगे इकोनॉमिकल देन स्क्वायर सेक्शन ऑफ एरिया, तो पहला तो हो गया हमारा ठीक। दूसरा कह रहा है कि सर्कुलर सेक्शन इज मोर इकोनॉमिकल देन स्क्वायर सेक्शन। अब सर्कुलर सेक्शन इज मोर इकोनॉमिकल देन स्क्वायर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन को होता है कुछ इस तरीके से और स्क्वायर हो गया हमारा कुछ इस तरीके से। मान लीजिए एरिया इसका भी ए है और इसका भी ए है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कहेगा पाई बाय 64 डी रेस टू द पावर 4, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेगा वो करेगा ए रेस टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 12। अगर एरिया इन दोनों का सेम है तो इनकी डायमेंशंस में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, जो इसका डायमीटर होगा वो इसकी साइड से बस थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा, लेकिन इतना कोई फ़र्क नहीं आएगा अगर इसके एरिया इसका स्क्वायर का और सर्कल का जो एरिया है वो सेम है। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं तो ये कहता है पाई बाय 64 डी रेस टू द पावर 4, ये कहता है ए रेस टू द पावर 4 अपॉन में 12। अगर इनकी डायमेंशंस ऑलमोस्ट सेम है, इसके रेस टू द पावर 4 हो रहा है और इसकी रेस टू द पावर 4 में पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, देखने में तो अच्छी चीज़ है लेकिन ये 64 से भी तो डिवाइड हो रहा है। और अगर इसको मैं ऐसे सॉल्व करूँ कि मान लीजिए इसकी वैल्यू है 3 की जगह चलो 4 ही मान लो, 4 मान ली अपने पाई की वैल्यू और इसको डिवाइड कर दो तो 4 1 4 और 4 6 24, तो ये डी रेस टू द पावर 4 डिवाइड हो रहा है 16 से, जबकि ये ए रेस टू द पावर 4 डिवाइड हो रहा है सिर्फ 12 से। तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा तो इसका जेड भी ज़्यादा ही होगा। ठीक है ना, जेड क्या होता है आई बाय वाई, अगर इसका जेड ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा और ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा एज़ कम्पेयर टू सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो बिल्कुल गलत है कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बिल्कुल भी इकोनॉमिकल नहीं होगा किसी भी स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के साथ में जिनका अगर एरिया सेम है तो। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल हो गया गलत। थर्ड जो है वो कहता है कि आई सेक्शन इज़ मोर इकोनॉमिकल देन रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ द सेम डेप्थ। अब मैं बताता हूँ आपको, मैंने जो आपको चीज़ बताई थी कि अगर किसी का एरिया सब कुछ सेम है, उसमें लेंथ और ब्रेथ वगैरह सब सेम है और उसका मास जो है वो उसकी न्यूट्रल एक्सिस से कहीं दूर जगह पे ज़्यादा लाई करता है एज़ कम्पेयर टू उस न्यूट्रल एक्सिस के पास में, तो वो चीज़ जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी एज़ कम्पेयर टू जिसका मास कंसनट्रेटेड है किसी न्यूट्रल एक्सिस के पास में। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि इस आई सेक्शन का जो मास है वो कंसनट्रेटेड नहीं है उसके न्यूट्रल एक्सिस के पास या उसके सेंटर के पास, तो इसी वजह से इसका जो सेक्शन मॉडुलस है वो भी ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू किसी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के। तो ये बिल्कुल सही है कि आई सेक्शन इज़ मोर इकोनॉमिकल देन रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ द सेम डेप्थ। तो पहला ठीक है और तीसरा ठीक है, लेकिन दूसरा गलत है। तो इसका आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, दैट इज डी।